माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह रहे दास कबीर। एक बहुत अच्छी कथा याद आ रही है, ध्यान से सुनना। जिंदगी बचपन से ही बिगड़ती है और जिंदगी बचपन से ही सुधरती है। एक बच्चा था, उसमें कुछ गलत आदत पड़ गई। उसके पिताजी बड़े दुखी हुए, पिताजी समझाएं तो वो कहता अभी मेरी उम्र ही क्या है, जैसे जैसे बड़ा होऊंगा वैसे वैसे अपने आप छूट जाएंगी बुरी आदत। अब पिताजी बड़े परेशान, लेकिन आदत तो छूटे नहीं, दिन पे दिन डे बाय डे वो आदत और बढ़ती जा रही थी। संयोग से उस गांव में एक दिन एक संत जी आए, और संत जी जब आए तो वो व्यक्ति गए और रोने लगे, बोले महाराज मेरे बच्चे में गलत आदत पड़ गई है, कृपा कर दो उसे सुधार दो। महात्मा जी बोले एक काम करो, शाम के समय पर मैं बगीचे में घूमने जाऊंगा, अपने बच्चे को लेकर वहां आ जाना। बोले ठीक है महाराज। शाम के समय वो अपने बच्चे को उसी बच्चे को लेकर पहुंचे तो पिताजी ने प्रणाम किया, देखकर उस बच्चे ने भी प्रणाम कर दिया। महात्मा जी पूछने लगे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताया, एज पूछी, एज बताई। महात्मा जी ने कहा बेटा मेरा एक काम करोगे? बोले जी आज्ञा करे, करने लायक हुआ तो करूंगा। बोले एक काम कर दो, ये जो वहां पर एक हल्का सा ऐसा छोटा सा इतना छोटा सा पेड़ था, छोटा सा, बोले बेटा जरा इस पेड़ को उखाड़ दो। पेड़ तो नहीं कह सकते, वो पौधा है हल्का सा, बस शुरुआती दिनों का है। बोले बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। उसने कहा ये भी कोई बड़ी बात है, जड़ा के जाके उखाड़ दिया। दूसरी बार कहा बेटा जरा उस पौधे को उखाड़ दो, वो थोड़ा उससे और बड़ा था, बोले उसको उखाड़ दो, वो भी उखाड़ दिया। उसे तो बड़ा आनंद आने लगा, बोले बाबा जी ने अच्छा काम बता दिया पौधे उखाड़ने का, वो भी उखाड़ दिया। थोड़ी आगे गए तो एक आम का पेड़ था, थोड़ा मजबूत था। महात्मा जी बोले बेटा जरा इसे भी उखाड़ दे। अब लगे कोशिश करने, कभी इधर हिला कभी इधर हिला कभी इधर हिला कभी इधर हिला, उखड़े ही ना। बोले बेटा दम लगा, फिर कोशिश करे ना उखड़े। बोले बेटा और कोशिश कर। वो पसीना पसीना हो गया, लेकिन उससे वो पेड़ टस से मस नहीं हुआ। महात्मा जी बोले बेटा जब आदतें शुरू में लगे उस समय वो उस पौधे की तरह थी जिससे तूने बड़े आराम से उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन जब आदतें पुरानी हो जाती हैं तो वो इस पेड़ की तरह होती हैं कि लाख कोशिश करो फिर भी वो उखड़ती नहीं। और पुरानी आदतें दुख देती हैं मेरे प्यारे, और बिगाड़ने में हमारा सर्कल हमारा साथ निभाता है। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा संग कैसा है। जिन साधु संत ब्राह्मणों से आप दूर भागते हो, मैं नहीं कहूंगा कि उनके पास आप जाइए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनका लक्ष्य एक ही होता है, एन कैन प्रकारण तुम लोगों का भला करना, किसी भी तरीके से तेरा बेड़ा पार करना, तेरा बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिकॉज आई एम सेल्फिश पर्सन समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड। सेल्फिश व्यक्ति जो होता है ना वो अपने जैसा दुनिया देखता है और उसी में इंक्लूड कर लेता है दुनिया को, मैं भी उस दुनिया में इंक्लूड करता है महात्माओं को, संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, इन सबको अपने जैसा ही समझता है। बोले जब हमने किसी का भला नहीं किया तो यह किसी का भला कैसे करें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भला करते हैं। सुनो अब ये कथा पंडाल इतना लंबा चौड़ा लगा के खर्चा करने की, जो कथा कराए उसको घर में कथा सुनाए क्या जरूरत है उसकी? चलो यहां दिल्ली में भी कथा है तो आस्था पे लाइव क्यों कर पा रहे हैं? अरे जितनी देर तू कथा सुनेगा उतनी देर कम से कम किसी का बुरा नहीं करेगा, 3 घंटे तो बचा रहेगा ना किसी का बुरा करने से, तो 3 घंटे तुझे अच्छाई में रख लिया
ये कम अच्छा है क्या? अगर तू बुरा करने पे आए तो 3 घंटे में न जाने कितनों का बुरा कर देगा। लेकिन मेरे प्यारे, हम लोग इसको नहीं समझते। और जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, पहली बात, बुरी आदत होनी नहीं चाहिए। अगर हो तो उसे जल्दी से जल्दी उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि आदत अगर पुरानी हो गई तो फिर ये लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में से जाने वाली। आदत कैसी होनी चाहिए? मेरे ठाकुर जी से प्यार करने की एक आदत बना लो, चगा चगा।